सो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप एक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं और आपका इस बार थर्ड सेमेस्टर है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के न्यू सिलेबस 2023-24 के बारे में बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे, वो कौन कौन से नए सब्जेक्ट को इस बार शामिल किया गया है और कौन कौन सी प्रकाशन का बुक परचेज करें ताकि हमारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और सिलेबस के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे। तो दोस्तों, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में टोटल आपको 6 सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे, जिसमें नंबर 1 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। दोस्तों, जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट को पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड को पढ़ा था जो कि इंटर लेवल का मैथ था, लेकिन दोस्तों आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में बीएससी लेवल की मैथ को पढ़ना होगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। इसमें आपका ओनली रिटेन एग्जाम होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल वाइवा नहीं कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपने स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 2 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, इसे शॉर्टकट में EIM के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया जाता है। इसमें आपका प्रैक्टिकल वाइवा और रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटेन एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक भी सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 3 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल, इसे शॉर्टकट में EEM के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाते हैं, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया जाता है। इसमें आपका प्रैक्टिकल वाइवा और रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटेन एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक भी सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 4 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसे शॉर्टकट में DE के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सब्जेक्ट को कुछ लोग डिजिटल प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी जानते हैं। इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना होता है, दोस्तों इस सब्जेक्ट में आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स बेस पे सब्जेक्ट होता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सब्जेक्ट माना जाता है। आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया जाता है, प्योर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट इसे माना जाता है। इसमें आपका प्रैक्टिकल वाइवा और रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटेन एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक भी सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 5 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, इसे शॉर्टकट में EM फर्स्ट नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये आपके ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसलिए ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। इसमें आपका प्रैक्टिकल वाइवा और रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटेन एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक भी सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ना होगा वो है एनवायरमेंटल स्टडीज, इसे शॉर्टकट में EVS के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, इसमें आपको पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया जाता है। इसमें आपका प्रैक्टिकल वाइवा और रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटेन एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक भी सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ये टोटल आपको 6 सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड सिलेबस के बारे में वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।